नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। चौबीस घंटे बीत जाने के बावजूद अग्नि पीड़ित को कोई सहायता नहीं, क्या है ये पूरा मामला? आइए जानते हैं इसकी जानकारी को विस्तार में। जिला मुंगेर के बरियापुर थाना अंतर्गत नीरपुर पंचायत के लालाजी टोला में बुधवार को लगी आग में तकरीबन 200 घर जलकर राख हो गए हैं, खाक हो गया है सब कुछ। लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बावजूद अभी तक कोई सरकारी सहायता नहीं मिल पाई है। इस मौके पर सीओ, बीडीओ एवं सदर एसडीओ खगेश चंद्र झा ने स्थल पर पहुंच लोगों से वाकिफ तो हुए, लेकिन राहत और बचाव की सामग्री भी थी, पर रात 11 बीत जाने के बाद और घर जले, परिवारों का सही लिस्ट नहीं होने के कारण राहत सामग्री वितरण नहीं हो पाई। वही अग्नि पीड़ितों का रो रो कर बुरा हाल है। कोई जले अनाज को देखकर रो रहा है, तो कोई बेटी की शादी में रखे गहने को देखकर। 20 वर्षों से लगातार वासगीतों का पर्चा लेने की लड़ाई लड़ रहे सरकार से लालजी टोला के ग्रामीणों पर कुदरत ने ऐसा सितम ढहा जो जरूरत के सारे सामान सहित जानवरों को भी जला डाला। हालांकि स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार अग्नि पीड़ित परिवारों को भोजन की व्यवस्था तो की गई, लेकिन इन सब से अलग अपना पक्का मकान बनाने के लिए सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना की सहायता राशि तथा बस गीतों को जमीन की पर्चा देने की मांग सरकार से की गई है। आइए देखते हैं मुंगेर से सोनू झा की ये पूरी रिपोर्ट। सहायता चाहिए, आइएगा मीडिया वाला, देख लीजिए, लिख लीजिएगा, चल जाइएगा। उसको हमारा कोई लाभ नहीं मिलता है, नहीं है हमको पर्चा मिलता है। देखिए हमको दो सामान निकाल, छोटा सामान घर में रखे, दुख बेटी शादी करने लगे, सब कुछ जेवर बना करे कमा कर के, वो हमको जेवर सब चल गया। शादी लिए हम बैसाख में, दुख बेटी को हम कहाँ से पैसा ना ने, 2 लाख हमको घोर में पैसा था, वो सब चल गया। कोई करे कर्जा फिर कर मर जाए। सरकार हमको जमीन देता तो हम घर द्वार एक रूम बना देते, हमको सब चीज अमानत पड़ल रहता। सरकार के हमारा ये चाहे कितना जरिया ने हम संतोष कर लिए, इतना पक हम हंसते हैं, खुश हैं हम। मगर हमको जमीन मिल जाते हैं तो हम बहुत हम अच्छा से रहते, कितनों जर की हमको कोई सोच नहीं। आग लगने के बाद तो आग लगभग आधा से एक घंटा में बुझा लिया गया। गाड़ी उड़ी आ गई थी, 3-4 गाड़ी आई थी बुझाने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है, सही बात, गाड़ी आई थी तो आप लेट से आया गाड़ी, सर लेट से आती है गाड़ी तो आने में लेट लगता है ना जी। आप तो बुझ गया गाड़ी आई थी, सही बात है। जब सब चीज जल ही गया तो तुरंत उसको क्या हो सकता है, रिकवरी होनी। खाना वाना का व्यवस्था तो हम किए हैं सर, शाम खिलाए हैं, 2-3 दिन तक खिलावेंगे भी तो कहाँ सा लाएगा सर, बर्तन तक नहीं है घर में, बर्तन तक जल गया सबका, कुछ नहीं है। सरकार भी साहब लोग भी आए, BDO साहब, CO साहब, SDO साहब, सब लोग आए, आश्वासन भी दे के गए, और रात में 100 कंबल, 100 पोलिथीन, कुछ चूड़ा, कुछ बिस्किट लेकर आए थे SDO साहब, जो कि वितरण अभी हो जाएगा। रात 11 बज रहा था तो सब कैसे वितरण करेंगे, तो CI साहब रहेंगे सर, उनको बुला के सामने वितरण करेंगे, सुना कायल करेंगे सर जी। वो रिजर्व रखा हुआ है कहीं अलग, तो अपने घर पर रखेंगे वो भी ठीक बात नहीं है, इसे सार्वजनिक जगह पर रखा गया है, उसको अभी ला के मंगवा के वितरण कर दिया गया। अभी तो 100 आदमी के लिए दिए हैं साहब, यदि 200 घर होगा तो कम कम पड़ जाएगा सर, फिर मंगवाया जाएगा, फिर साहब को बोलेंगे, बोले घटेगा देंगे। यानी प्रशासन की तरफ से सामान भेजा है सर, सामान तो भेज चुके हैं वो, यही मदद मिला है, फिर आगे बोले कि आप खाना खिलाइए मुखिया जी, देखा जाएगा, कुछ नहीं अभी तक मिला है सर सरकार की ओर से। छोटे भैया नेता लोग ढेर आ रहे हैं, जिला परिषद हुए चाहे मुखिया हुआ, बगल बगल सब लोग आ रहे हैं, कुछ ना कुछ कोई चूड़ा मुढ़ी को कुछ कुछ बाँट रहे हैं, बिस्किट बाँट रहे हैं, दे रहे हैं। संजीव कुमार सज्जन, नीरपुर पंचायत मुखिया। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।